अब देखो आज हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, ओके सर। तो ये हमारा वीएमवेयर वर्क स्टेशन है, तो इसमें हमें मशीन बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो देखो फाइल में जाएंगे, न्यू वर्चुअल मशीन लेंगे, और यहाँ पे देखो विजार्ड आएगा, तो इसमें आप जो है कस्टम कॉन्फ़िगरेशन लोगे, ठीक है। हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी इसमें तो आप, ये VMware से हमें डाउनलोड करनी होगी क्या मुझे? अच्छा, हाँ वीएमवेयर ये वर्क स्टेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा। ये अनलिमिटेड आती है इसकी? हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट करोगे, इसमें देखो यहाँ पे आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इसको चूज करोगे। ठीक है। विंडोज यहाँ पे आप विंडोज चूज करोगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, कौन सा वर्जन डालना है सर्वर का यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो 2008 ये सारे आ रहे हैं, देखो बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमारे पास 2012 है, तो 12 को करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर्वर का क्या मतलब, इसका नाम क्या होगा, तो मशीन का नाम अपने आप आ गया यहाँ पे, सर्वर नाम। तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट नेम दे सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया DC01, इसका नाम रख दिया, ठीक है। ठीक है। तो अब ये वर्चुअल मशीन बनाएगा इसके अंदर, ठीक है। ओके। नेक्स्ट करेंगे, अब देखो फर्मवेयर टाइप, इसमें देखो बायोस और UEFI दो तरह के होते हैं। बायोस जो होता है ओल्ड वर्जन होता है, UEFI जो नया वर्जन होता है आपका। तो इसमें आप चूज कर सकते हैं कि फर्मवेयर टाइप आप कौन सा लेना चाहते हो। अगर UEFI आप चूज करोगे, तो इसमें जो यूज करेगा ये जो क्या कहते हैं इसको, लार्ज हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं उनका सपोर्ट करेगा ये, ठीक है ना। तो ये इसमें अप टू 2 TB तक ड्राइव आप यूज कर सकते हो, इसमें आप 2 TB ठीक से है। ऊपर तक की ड्राइव भी यूज कर सकते हो UEFI में, ये लेटेस्ट वाला वर्जन है आपका, ठीक है ना। तो ये नए फाइल ओके। सिस्टम को सपोर्ट करेगा। फिर इसमें प्रोसेसर आ रहा है, प्रोसेसर में आप देखो चूज कर सकते हो, टू टू प्रोसेसर ले गया, और इसमें कोर, इसमें वन कोर ले ली मैंने, ठीक है। अब इसमें रैम कितनी लगानी, तो 2 GB रिकमेंडेड होती है इसकी, तो 2 GB मैंने इस पे सेट कर दिया, ठीक है। ओके। इसके बाद नेटवर्क टाइप आएगा, तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन होता है ब्रिज नेटवर्किंग, ये तब होता है जब आप वायर वायर का यूज करते हो, ठीक है ना, यानी कि ओके। आपके सिस्टम पे फिजिकली वायर लगी हुई है, ईथरनेट वायर लगी है, और ईथरनेट वायर से वो स्विच में जा रही है, ठीक है। तो ये बाहर के नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए होता है, एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है। ठीक। सेकंड ऑप्शन होता है नेट, नेट मोड जो होता है वो होता है जो इंटरनल वीएम चल रही है आपकी, ये जितने भी वीएम इसके अंदर आप बनाओगे ना, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, और साथ में आप उसको इंटरनेट से भी एक्सेस करा सकते हो, तो ये नेट मोड होता है, ठीक है। तीसरा होता है होस्ट ऑनली, होस्ट ऑनली में सिर्फ जो आपका गेस्ट मशीन है और होस्ट मशीन है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी। तो होस्ट मशीन तो आपकी विंडो ये वाली होगी, विंडोज जिसपे आपने वर्क स्टेशन डाला हुआ है, और गेस्ट मशीन जो इसके अंदर बनेगी वो गेस्ट होती है, तो होस्ट और गेस्ट के बीच में कनेक्टिविटी होती है सिर्फ, बाकी मशीन के साथ कनेक्टिविटी नहीं होती। तो जितनी भी वीएम्स आप बनाओगे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी अगर आप इसको यूज करोगे तो। इसलिए हम यहाँ पे जो लेंगे ये सबसे अच्छा ऑप्शन है NAT मोड, ठीक है। ठीक फिर नेक्स्ट है। करेंगे, इसके बाद देखो होता है हार्ड डिस्क कंट्रोलर का टाइप, ये होता है IO कंट्रोलर टाइप। तो हार्ड डिस्क का कंट्रोलर जो है वो किस टाइप का, यहाँ पे आप जो है देखो लिखा आ रहा है बस लॉजिक, LSI लॉजिक, ये होते हैं पुराने वाले, तो ये आप देखो ग्रेड आउट है, आप इनको यूज नहीं कर सकते। ये जो होते हैं ये IDE हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करते हैं, IDE जो हार्ड ड्राइव होती है वो डेस्कटॉप के लिए यूज होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सर्वर डाल रहे हैं, तो सर्वर के लिए आप ये रिकमेंडेड नहीं है, तो दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, LSI लॉजिक सैस और पैरा वर्चुअलाइज, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे LSI लॉजिक सैस, ये सर्वर के लिए रिकमेंडेड होती है, और ये सीरियल ड्राइव होती है नॉट ए पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होती हैं, ये सीरियल होती है, इसलिए सीरियल से स्पीड जो है ज्यादा आती है, तो यहाँ रिकमेंडेड है सीरियल, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद देखो हार्ड डिस्क का टाइप, देखो IDE पुराने वर्जन के लिए होती है तो इसको यूज नहीं करेंगे। साटा जो है
साटा जो है ये सीरियल होती है लेकिन स्पीड कम होती है, स्कजी की स्पीड ज्यादा होती है। तो हम सर्वर के लिए यूज करते हैं स्कजी हार्ड ड्राइव, ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। फिर यहाँ कह रहा है कि एक वर्चुअल डिस्क बनाइए आप, सेलेक्ट द डिस्क, तो क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क। तो ये वर्चुअल डिस्क बनेगी यहाँ के, यानी इसमें क्या होगा कि भाई जो आप विंडो डालोगे, ठीक है, अब इसके अंदर जो वीएम बनेगी उसका एक फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर के अंदर एक एक फाइल बन जाएगी हार्ड डिस्क की फाइल, ठीक है, उस फाइल को हम कहेंगे वर्चुअल डिस्क फाइल, ठीक है, उसका एक्सटेंशन होता है वीएमडी के। तो ये जो वर्चुअल डिस्क फाइल होती है इसके अंदर ही हमारा ओएस जाता है, वर्चुअल मशीन का जो ओएस होगा ना वो इसके अंदर ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये वर्चुअल डिस्क क्रिएट होगी और उसके बाद हम इसको फॉर्मेट करके इसके अंदर ओएस डालेंगे। तो हम फर्स्ट ऑप्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कह रहा है साइज ऑफ द डिस्क, कितने साइज की आप वर्चुअल डिस्क बनाओगे। तो सर्वर 2012 के लिए 60 GB रिकमेंडेड होती है, तो हमने 60 GB ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे आपने टिक कर दिया एलोकेट डिस्क स्पेस नाउ, ये वाला टिक, तो ये आपके हार्ड डिस्क में से 60 GB अलग कर देगा, काट लेगा 60 GB, तुरंत ही ये कैपेसिटी यूज कर लेगा। तो इस पे कभी टिक मत करना, नहीं तो आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस जो है वो जल्दी क्या है कंज्यूम हो जाएगी पूरी, कम हो जाएगी। तो ये एलोकेट नहीं करानी हमें डिस्क कभी भी, ठीक है। हमें यहाँ पे लेना है स्टोर द वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल। सिंगल फाइल लोगे तो एक ही डिस्क बनेगी, अगर मल्टीपल फाइल लोगे तो मल्टीपल डिस्क बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या छोटी छोटी मल्टीपल डिस्क बनती जाएंगी, ठीक है, इसमें एक ही सिंगल डिस्क बनेगी। तो हम ले रहे हैं सिंगल डिस्क, ये देखो 60 GB की यहाँ एक वीएम, ये देखो ये इसकी वीएम की ये फाइल बन जाएगी, डिस्क फाइल DC01.VMDK, देखो ये डिस्क की फाइल बन जाएगी, ठीक है। आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे साउंड है, प्रिंटर है, आपको जो जो चीज लेनी है वो ले सकते हो आप इसमें, ठीक है। जो चीज नहीं लेनी है उसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। क्लोज कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास एम्प्टी मशीन बन गई, ठीक है। अब इस मशीन को जब हम स्टार्ट करेंगे, देखो ये देखो ये हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए कह रही है, ये देखो। तो हमारी हार्ड डिस्क जो है, ठीक है, ये देखो आपकी मशीन जो है वो बूट हो जाएगी। पर यहाँ पे देखो अभी ये कह रही है कि वो DHCP ढूंढ रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे इसको ना बूट होने के लिए कोई फाइल नहीं मिल रही है, तो हमें इसे फाइल देनी पड़ेगी बूट होने के लिए। तो इसमें देखो डिस्क जो मशीन की सेटिंग है, ये देखो DC01 है, इसी पे राइट क्लिक कर दो आप और यहाँ सेटिंग ऑप्शन आता है, ये देखो ये सेटिंग ऑप्शन खुल गया। अब इसमें हम DVD या CD ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ से हम इसको ISO फाइल देंगे, ब्राउज करेंगे देखो, और सर्वर की जो ISO फाइल है उसको चूज करेंगे यहाँ पे। हमारी जो सर्वर की ISO फाइल है वो हम यहाँ से लेंगे, हमारी सर्वर की ISO फाइल ये वाली है, इसको हमने यहाँ से ले लिया, ये देखो इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको एक बार रीस्टार्ट करोगे, ये देखो जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट करोगे ये बूट हो जाएगी, ये देखो, ये देखो यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो विंडोज सर्वर 2012 R2 लिख के आ रहा है, चाहे आप 12 डालो या 16 डालो, जो इंस्टॉलेशन स्टेप है सबके लिए सेम होता है। नेक्स्ट करेंगे, देखो इंस्टॉल नाउ, ये दो स्टेप में पूरा हो जाएगा, ठीक है। वन स्टेप में ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सेकंड स्टेप में ये इंस्टॉल होगा। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। तो देखो यहाँ पे डेटा सेंटर और स्टैंडर्ड दो तरह के वर्जन है, तो हम डेटा सेंटर लेंगे विद GUI। अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो कोर वाला तो सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा। अच्छा,
और अगर आप ये वाला लोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आएगा बल्कि क्या है जीयूआई मोड आएगा। ठीक है नेक्स्ट करोगे इसे। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करो लाइसेंस एग्रीमेंट को और नेक्स्ट कर लो। अब देखो दो ऑप्शन आएंगे इंस्टॉलेशन के लिए, अपग्रेड करना है या कस्टम। हमें कस्टम करना है। अब ये देखो जो हमारी हार्ड ड्राइव है इसको पार्टीशन कर देंगे, न्यू एक ही पार्टीशन बनाएंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखो तो इसमें देखो एक रिजर्व पार्टीशन बन गया और एक आपका विंडो पार्टीशन बन गया। ठीक है तो इस वाले को सिलेक्ट करेंगे टू वाले को और इसको नेक्स्ट करेंगे। इसमें ये क्या करेगा विंडोज इंस्टॉल कर देगा। अब विंडोज इंस्टॉल होने लगेगा आपकी। देखो दो स्टेप में पूरा हो रहा है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और इंस्टॉलिंग विंडो। बस क्या करें बोल रहा था सर, एक बार आप देखते हैं अगर स्क्रीन मेरा, मतलब मैं वो डाउनलोड करना चाह रहा था वीएमवेयर, बहुत सारे लिंक आ रहे हैं तो एक बार मैं आपको डाउनलोड करके देता हूँ। ओके मैं देता हूँ आपको डाउनलोड करके। तो ये इंस्टॉलेशन तो देखो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा अभी, तब तक मैं आपको डाउनलोड करवा देता हूँ। देखो मुझे जरा अपनी स्क्रीन शेयर करो। रिमोट दे दो मुझे। हाँ दे दो। देखो इसकी तो मेरे पास की पड़ी है 12 की, इसलिए मैं 12 आपको डाउनलोड करवा रहा हूँ। ठीक है लेटेस्ट वाले की मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको डाउनलोड। तो ये देखो 12 वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से नीचे आएंगे इस पे सर विंडोज 16 चल जाएगी ना सही से, सर्वर 16, क्योंकि सर मेरे पास वो आईएसओ भी पड़ी हुई है 16 की। पड़ी हुई है चल जाएगी।
देखो मैंने एक तुम्हें सीरियल नंबर भेजा है। कहाँ मेल में आई होगी सर? नहीं व्हाट्सएप किया है। ओके इस पर क्लिक कर दो। हाँ इन दोनों को अनचेक करो। ठीक है नेक्स्ट करो इंस्टॉल। अभी सर मैं इस पे कर रहा था। मैंने डाला था एक वैसे टेस्टिंग के लिए, आपके वीडियोस वगैरह देख कर ही कर रहा था इस। अच्छा हाइपर भी डाला हुआ है आपने। हाँ अभी कुछ दिन पहले सर वही आपके वीडियोस से ये डाल रहा था मैं अच्छा देख अच्छा कर। अच्छा नहीं हाइपर भी अभी आएगा आपका आगे। हाइपर ओके सर भी आपको सिखाएंगे। देखो जब ये VMware वर्क स्टेशन डल जाएगा ना तो हाइपर भी काम नहीं करेगा तुम्हारा, ध्यान रखना। अच्छा वो काम नहीं एक करेगा। एक टाइम में एक ही चीज काम करती है। क्या ये हटेगा नहीं क्या सर? क्या चीज नहीं हटेगा? ये पूरे स्क्रीन पे आ गया, अब ऊपर क्लिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऊपर वो आ जा रहा है जूम सॉफ्टवेयर वाला। इसमें क्या करना चाहते हो? जैसे से अब मेरी स्क्रीन पे सर पूरा यही आ रहा है, जो हाइपर वी वाला मशीन अभी चालू किया ना वही आ हाँ रहा है। अब ये है ठीक इसमें यही तो चार प्रॉब्लम सेकंड है, इसको अभी बंद कर दो। हाँ इसमें यही प्रॉब्लम होती है, इसीलिए VMware वर्क स्टेशन स्टार्टिंग, क्योंकि हाइपर वी जो ना थोड़ा टफ है यूज करना। ओके हाँ रिस्टार्ट करना होगा क्या सर? हाँ रीस्टार्ट करना होगा एक बार, फिर कनेक्ट कर लेना। ओके ये देखो एक्टिवेट हो गया ना वो आपका, हाँ हाँ अब आप मशीन बना हाँ सकते हो इसमें। जी ओके सर अब आप इसमें मशीन बनाओ। कस्टम पे ना सर? हाँ कस्टम पे ले लो। नेक्स्ट करो। इसे बाद नेक्स्ट बाद करो। में ही करना है क्या हाँ इसे? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चूज करो आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नेक्स्ट करो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और इसमें चूज करो, नीचे नीचे चूज करो सर्वर 2012। 12 या 16?
16 डालो इमेज, इमेज है 16 की, 16 डालो तो हाँ डालो BIOS ही ना। हाँ BIOS यहाँ सर ये दो चूज करना होगा, ऊपर 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 दो प्रोसेसर, ऊपर ऊपर दो चूज करो। हाँ ठीक है 2 GB ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये भी ठीक है। हाँ यहाँ पे सिंगल फाइल कर दो, स्टोर वर्चुअल डिस्क सिंगल फाइल। ठीक है आगे बढ़ो फिनिश। अब यहाँ पे एडिट करो वर्चुअल मशीन सेटिंग, एडिट करो इसमें 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 अरे सामने ही सामने ही है, सामने ही आ रहा है देखो एडिट, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग लिखा आ रहा है ना इसके ऊपर। अच्छा, हाँ ये यहीं पे आ गया। अब इसमें देखो डीवीडी ड्राइव चूज करो। हाँ यहाँ पे यूज आईएसओ फाइल, हाँ यहाँ पे ब्राउज करो। अब यहाँ पे कहाँ पे पड़ी है 16 की इमेज, हाँ ये ठीक है चूज कर लो ओपन करो। ओके स्टार्ट कर दो। तुमने इसके अंदर ना इनेबल नहीं किया है हाइपर भी, वो क्या कहते हैं हाइपर की भी कह रहा हूँ, इसके अंदर आपने वो इनेबल नहीं किया, हाइपर भी इनेबल है ना इसके अंदर, पहले हाइपर भी को हटा हाँ दो, जी सर। हाइपर भी को हटा दो क्योंकि एक टाइम में एक ही काम करता है, हाइपर भी करेगा तो ये नहीं करेगा काम, हाइपर भी को हटा दो।